గావు దూష్ణల గావు తుమ్ పర్ భీ దూష్ణ లగాయా జాయేగా ఔర్ తుమ్ పర్ భీ దూష్ణ లగాయా జాయేగా अपने स्वर्ग पिता जैसे दयालु बनो, अपने स्वर्ग पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ, दोष न लगाओ, तुम भर भी दोष न लगाया जाएगा और तुम भर भी दोष न लगाया जाएगा अपने स्वर्ग पिता जैसे दयालु बनो आमेन अपने स्वर्ग पिता जैसे दयालु बनो हालेलुया 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 प्यारे भाई और बहनों लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 अभी हमने गाया है लूक चैप्टर 6 वर्स 36 दोष ना लगाओ और तुम भर भी दोष नहीं लगाया जाएगा अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो मैं आपको बताता हूं सुसमाचार के सबसे महत्वपूर्ण एवं सुंदर वचनों में से एक है लूकस का अध्याय 6 प्रसंग 36 से लेकर 38 तक जो वचन है 36 37 और 38 36 37 38 ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु कहते हैं अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो दोष ना लगाओ और तुम भर भी दोष ना लगाए जाएगा शुरुआत से हम देखते हैं एदम वाटिका से एदम हवा के ऊपर दोष लगाते हैं हवा तो सांप के ऊपर दोष लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं इंसान के सबसे पहला पाप है दोष लगाना अगर हम इससे बच जाएं, प्रभु के वचन के मुताबिक मेरे ख्याल में प्रभु की दया करुणा हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगा तो आइए प्यारे भाई और बहनों इसको समझना और इसको इस्तेमाल करना इसको सीखना शुरू कर बोले हालेलुया 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 इस वचन में बहुत सामर्थ्य है बहुत आशीर्वाद है इसको रिसीव करें इस वक्त दोष न लगाओ दोष न लगाओ और तुम भर भी दोष न लगाया जाएगा तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा अपने स्वर्ग पिता जैसे दयालु बनो अपने स्वर्ग पिता जैसे दयालु बनो हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु आपका ये वचन आपका ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए मेरे जीवन में पूरा हो जाए आमेन 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 आमेन